और मिल्लत की सफों में एक इंतशार को पैदा कर दिया। मैं ज्यादा तफसील उसमें जाना नहीं चाहता, लेकिन जो बातों की बुनियाद या जो चीज छूट पर खड़ी होती है वह ज्यादा दिन तक खड़ी नहीं रह सकती। और दुनिया ने देखा जल्ला ने उन छूटों के मुंह को न सिर्फ काला किया बल्कि गुलामी की घाटियों में आवारा की तरह उनको खोने पर मजबूर कर दिया। आज कोई नाम लेने वाला भी नहीं है उन लोगों को, कोई जानने वाला, कोई पहचानने वाला भी नहीं है, कोई हाथ उठाकर सलाम करने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी जब ये इंतकाल आ जाते हैं तो दुकान खोल लेते हैं, शटर उठा लेते हैं और मिल्लत में तफरका डालने के लिए फिर बाजारों में घूमते हैं। मुझसे पहले भी अल्लाह ने इख्तियार दिया था, 25 वर्ष तक मेले थे, मुझसे पहले जो साहब थे 25 वर्ष से मेले थे, आज उनकी आग उनकी आवाज चीरती पुकारती मिलती है कि हमारे बाप ने बाबा नगर को बसाया, तलाब कट्टे को बसाया, इसको बसाया, उसको बसाया, तो बसाया तो क्या उस बस्तियों के बसाने में क्या तुमने एक स्कूल की जमीन स्कूल में नहीं छोड़ी, क्या एक जमीन स्कूल बनाया, क्या एक मरकज बनाया जहां पे खवातीन को ट्रेनिंग दी जा सकती है, तुमने स्कूल में जमीन नहीं छोड़ी, खवातीन की तरबियत के लिए जगह नहीं छोड़ी, किसी मदरसे के लिए जगह नहीं छोड़ी, हर जगह बचाई तो जरूर अपनी आग और रात और अपने स्टैंड और तफरी के लिए बाग बनाने के लिए जमीन को जरूर बचाया और आज वहां पे मलगियां बनाकर अपने घरों को चलाने के लिए जमीन बचाई। लेकिन मदरस यानी अखबारों की नियमों में इंतखाब में आया, एक 25 वर्ष का नौजवान जब इंतखाबात में आया तो लोग मजाक उड़ाते थे मेरा, हंसते थे, अखबार शायद है गवाह है कि अखबार ने लिखा कि ये नौजवान बच्चा कह रहा है कि वो गुर्बत का खात्मा करेगा, खैसे मारते हुए हंसते हुए कि ये नासमझ कह रहा है कि गुर्बत का खात्मा करेगा, ये लड़का कह रहा है कि कलम थमाएगा, स्कूल बनाएगा, कहां से बनाएगा, मजाक उड़ाए मेरा अखबार में लिखकर एक कार्टून तक बनाया गया मेरा कि ये बच्चा कह रहा है कि 25 वर्ष के मेले से मुकाबला करेगा और कह रहा है कि स्कूल कलम किताब और तालीमी ख्याल को बेरोजगारी को दूर करेगा। ए लिखने वालों, तुमने तो उस वक्त लिखा, देखो कभी आकर देखो उस वक्त के 25 वर्ष के नौजवान के काम को, देखो तुम्हारी जिंदगी गुजर गई होगी, बड़े बड़े लोग अवामी जिंदगी में आके कमा कर चले गए, लेकिन चैलेंज से कह सकता हूं कि हिंदुस्तान की आजादी की तारीख में कोई भी ऐसा लीडर नहीं होगा जिसने अपने गरीब आवाम के लिए मदरसों का इंतजाम किया, तालीम का इंतजाम किया, मुफ्त इल्म का इंतजाम किया, नन्हे मुन्ने उन मासूम उंगलियों में खलम थमाया, उनके खानों में बस्ता थमाया और खवातीन को अपने पैरों पर खड़े होने के लिए हुनर के देवर से आवाज़ किया। मैं पूछना चाहता हूं इल्जाम लगाने रहे हम पर कि क्या करें क्या करें, अरे इल्जाम लगाने वालों एक जगह जमा हो जाओ, जहां कहीं पर भी जमा हो जाते हैं मैं अपनी सवारी भेजूंगा और तुमको मेरे खर्चे के यहां लाऊंगा, आओ और अपनी आंखों से देखो कि क्या काम है हमारा। अरे बड़ोदी ओवैसी उन सियासतदानों में से नहीं है जो सिर्फ मुखालिफ करते हैं या जल्ला की तहरीर करते हैं या नारे लगाते हैं और अपने तहरीर और अपने अल्फाज के हेर फेर में आवाम को गुमराह करके वोटों को ले लेते हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी को अल्लाह ने खिलाफत से नवाजा तो अल्फाज से नवाजा तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहूंगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अकबरुद्दीन ओवैसी को एक धड़कते हुए
अरे दिल से मिला वादा है जो गरीबों के लिए रुकता है और गरीब और गरीबों के लिए सिर्फ कहानी नहीं, दुनिया में बड़े बड़े मुखरे अगर तो आ जाए, आओ मजलिस के मुखाले दी तुम्हें बल्दी और ऐसी के जबान वो बयान और उसकी आतिश नवाई का मुखाला नहीं कर सकते। अलमी जबान और बयान खुदवात को छोड़ो, मैं वादा करता हूं तकरीर नहीं करूंगा, सिर्फ अपना काम बताऊंगा। अगर अल्लाह ने तुमको जबान दी है, भड़कता हुआ दिल अगर दिया है, तो तुम जरूर हमारे काम को तस्लीम करने पे मजबूर हो जाओ। यह अलग बात है कि तुम सिर्फ तरदी करना चाहते हो। अरे तालीम का ये नया जो आज हमने पुराने शहर में जो चंद्रायन मुद्दे से जिसका आगाज किया, कोई आसान काम नहीं था, कोई आसान काम नहीं था। अरे जब हमने नशे में नगर के स्कूल का आगाज किया, जब हमने इस रियासत नगर जहां पे आप बैठे हैं इस स्कूल का आगाज किया, तो क्या था? बड़े बड़े बैनर लगाए, ऐलानात करवाए, दाखिला लो। तो इन स्कूल में दाखिला लेने के लिए कोई आगे बढ़ के आने के लिए तैयार नहीं। 200 निशिस्तें थी, तो मुझे याद है 200 निशिस्तें थी, तो पूरे दरखास्तें जो हमारे पास आई थी वो सिर्फ 40 थे। 200 निशिस्तों में 40 दरखास्तें और 160 निशिस्तें खाली। अरे हम ऑटो लगाकर मसाजिदों से ऐलान करें और बोले अरे आओ इस स्कूल में दाखिला ले लो, आओ स्कूल में दाखिला ले लो, फ्री तालीम है, आओ कोई पैसा देना नहीं है। इस तरीके से इस चंद्रायन गुट्टे के एक एक घर पर इल्म की दौलत से यहां पे रहने वालों को इल्म की दौलत से आरास्ता करने के लिए हमने उनके दर पर दरवाजों पर जाके दस्तक दी, खटका मारा, उनको जगाया और कहा कि अपने बच्चों को भेजो, हम उनके तुम्हारे बच्चों को फ्री का। ऐसी मसाइल वो मुश्किल से गुजरते हुए इन मदरसों को कायम करे। अरे वादा तो एक स्कूल का था, अरे आज कितने स्कूल है, नशे में नगर का स्कूल, अमर पेट का स्कूल, फिर नीचे तालाब मीर जुमला में एक स्कूल, फिर उसके बाद हाफिज बाबा नगर का स्कूल, नरदी बुलवार का स्कूल, आज फिर बल्लागढ़ में फातिमा ओवैसी KG-PG का कैंपस। अरे आज हुकूमत ने ऐलान किया के केजी से पीजी का कैंपस बनाएंगे। बार बार नुमाइंदगी करता रहा फलकनुमा कैंपस को बनाओ बनाओ बनाओ, बार बार इनके दर पर दरवाजे पर दस्तक देता रहा, और जब नहीं सुने तो एक दिन सजदे में गिर कर दुआ की, अल्लाह ये लोग नहीं कर रहे हैं तो मुझे स्थापित बना दे कि मैं एक केजी से पीजी का कैंपस बना सकूं। अल्हम्दुलिल्लाह बल्लागढ़ में आज फातिमा ओवैसी KG-PG का कैंपस तैयार है, इंशाअल्लाह ताला ने सरकारी निशान से वहां पे आवाज है। केजी नर्सरी में दाखिला ले तो दसवीं के बाद ग्यारहवीं व बारहवीं के बाद डिग्री का पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, डिग्री के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन भी 2 साल और 3 साल हो उसी कैंपस में। अगर एक लड़का या लड़की उस कैंपस में अगर आ जाए तो फिर 13 साल स्कूल के, 2 साल इंटरमीडिएट, 15 साल, 3 साल ग्रेजुएशन के, 18 साल पोस्ट ग्रेजुएशन के, 21 साल
अखलाक का तकाजा तो यही है, लेकिन आज ये लोग करेंगे तो कुछ नहीं। सर में नाम आज महिला सर में आज उसका इंकार कर रही, और अल्लाह ने मनोसर के आदम मुस्लिम को हर वक्त कामयाब किया, हर दौर में आए, बहुत आए, सब आए, वक्त के हुक्मरान और चीफ मिनिस्टर भी आए, लेकिन शिकस्त खा कर गए। अगर आज भी कोई आ रहा है, कोई अहमक, कोई नासमझ, कोई नादान, अगर ये समझ रहा है कि मजलिस को शिकस्त दे देंगे, तो अहमकों की दुनिया में रहने वाले अहमक, तो भूल गया कई चीफ मिनिस्टर आए चले गए, मजलिस खत्म नहीं होगी। अरे वही मजलिस है जिस मजलिस के नाम सलाम पर इंदिरा गांधी को आना पड़ा। दुनिया देखेगी कि वक्त के हुक्मरानों को भी मजबूरी के आलम में अपनी पनाह मांगने के लिए हमारे